बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजा तारिक ब्यूटी पार्लर। जी दोस्तों, आज मैं एक मेहंदी की लुक कर रही हूँ आपके सामने। तो ये है मेरी मेहंदी की लुक, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह की मैंने मेहंदी की लुक की है, अभी आपके सामने भी मैं करके इसको दिखा रही हूँ, ठीक है ना। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाएगी। सबसे पहले एक फ्लॉफी ब्रश लिया है मैंने, उस ब्रश पे मैंने लाइट ब्राउन शेड लेना है और अपनी आई लीड और क्रीज एरिया पे अच्छे से मैंने इसकी एप्लीकेशन करनी है। खूब अच्छे से आपने ब्लेंडिंग करनी है लाइट ब्राउन शेड से। ट्रांजिशन शेड हो गई है हमारा। जब आप इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगी तो फिर हमने एक और पेंसिल ब्रश लेना है, ये भी क्या कहते हैं ब्लेंडिंग ब्रश कहलाता है, लेकिन इसका साइज़ इस ब्रश से काफ़ी छोटा होता है, इसे हम पेंसिल ब्रश कहते हैं। अब इस पर मैंने ग्रीन शेड की एप्लीकेशन करनी है और उसको मैंने अपने हाफ लीड एरिया तक कवर करना है। उससे पहले मैं एक ब्रश लूँगी और उससे मैं डार्क चॉकलेटी शेड से मैं इसकी आउटर कॉर्नर बना दूँगी और इसको फिल कर दूँगी डार्क चॉकलेटी शेड से। मैंने अभी सिर्फ इसको फिल करना है। ये मैंने इसका आउटर कॉर्नर बनाया ताकि मुझे आँखों का एक अच्छा सा फ्रेम मिल जाए। जब इसकी मैं अच्छे से ब्लेंडिंग कर लूँगी तो फिर इसके साथ ही मैंने ग्रीन शेड की एप्लीकेशन करनी है खूब अच्छे तरीके से। अच्छा देखिए, ये शेड ब्रश से अच्छे से नहीं अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी। ये देखिए फिंगर से कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन हो रही है और कितनी डिफरेंट हो रही है ब्रश के मुकाबले में। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा शेड लूँगी और इसे अपनी आईलेट पे अंदर तक मैं इसे अप्लाई करती जाऊँगी जहाँ तक मुझे ये शेड चाहिए। देख रही हैं आप, इस तरह से इसकी एप्लीकेशन होनी है। चूंकि ये ब्रश से नहीं लग रहा है ये शेड, तो मुझे अपनी फिंगर यूज़ करनी है ताकि फिंगर से आपको पता है बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है। अब मैं ये टेप रिमूव कर रही हूँ। टेप लगाने का मकसद ये होता है कि आपको एक अच्छा सा शार्प सा आउटर कॉर्नर मिल जाए। मैंने चॉकलेटी कलर से इसको फिल किया आउटर कॉर्नर को। ठीक है, मैं बाकी काम करने से पहले मैं अपनी लैशेस पे ग्लू अप्लाई कर लूँ, क्रिस्टीन का है ग्लू। ताकि जब तक ये
10 से 12 सेकंड तक इसको मैं छोड़ दूंगी लगा हुआ, जब तक ये सेट होगा इसका ग्लू, जब तक मैं बाकी काम कर लूंगी। ठीक है जी। अच्छा, बाकी काम में ये है कि मैं लाइनर की हेल्प से एक शेप ड्रॉ कर लूंगी अपनी आईज की। इससे ये होता है कि जब हम लैशेस लगाएंगे तो स्किन नज़र नहीं आनी चाहिए, स्किन नज़र नहीं आनी चाहिए, इसके लिए आपको लाजमी लाइनर पहले लगाना चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने पहले ब्राउन शेड से आउटर कॉर्नर बनाया, अब मैंने लाइनर को अप्लाई किया है, अब मैं इसी लाइनर को अंदर की जानेब फिल कर दूंगी। हल्के हल्के से स्ट्रोक्स के साथ, बहुत ज़्यादा आपने प्रोडक्ट नहीं लेनी है, वही प्रोडक्ट जो मेरे ब्रश पे थी मैंने उसी को आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे आगे की जानेब बढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं इससे इतना मैं आगे की तरफ ले जाऊँ कि ये आउटर कॉर्नर आपको देखने में बुरा ना लगे। अब मैं दोबारा से सी ग्रीन कलर की एप्लीकेशन करूँगी इसी लाइनर के साथ साथ। अगेन अगेन एंड अगेन आपने एप्लीकेशन करना है जब तक आप मुतमइन ना हो जाए अपने शेड्स के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने इसी सी ग्रीन से मैंने जहाँ पे नीचे लाइनर लगाया है मैं इसको मर्ज कर दूंगी ताकि ब्लैक और ग्रीन मर्ज हो जाए। अब इसके बाद में दोस्तों, ये गोल्डन शेड है, ग्लिटर है, प्रेस ग्लिटर की तरह है। मैं इसके ढक्कन पे एक ड्रॉप, पहले मैं इसमें से गोल्डन शेड थोड़ा सा ले रही हूँ, अब इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉप ये डालना है सिरम, जिससे हम अपना ग्लिटर वगैरह लगाते हैं, यानी ग्लिटर ग्लू। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ इस तरह से, जहां पे मैंने लाइनर लगाया है ना वहां पे। अच्छा, इस तरह से जब आप लाइनर लगाएंगी तो आपका ये जो ग्लू है ये बआसानी लग भी जाएगा और ये चिपकेगा, मतलब ये हटेगा भी नहीं। ठीक है जी। अब मैं इसको इनर कॉर्नर से भी लगाऊंगी। ठीक है, जी, मैंने यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर लगाया है, आप चाहें तो सिल्वर भी लगा सकती हैं, इट्स अप टू यू। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकती हैं, आप शिमर को अपनी आईलिड पे भी यूज़ कर सकती हैं।
अब मैं अपने लैशेस अप्लाई करूंगी। मैंने पहले ग्लू अप्लाई कर लिया है लैशेस पे, और जहाँ पे मुझे लैशेस लगानी है उस वहाँ पर मैंने लैश लाइन पे लाइनर भी पहले ही अप्लाई कर लिया। अभी थोड़ा सा ड्राई होंगी, इन्हें ड्राई होने दीजिए। इसके बाद आप देखें, आपका मेकअप डन हो चुका है। इसके बाद आपने अच्छे से अपने फेस पे प्राइमर लगाना है। प्राइमर लगा के उसको 2-3 सेकेंड आपने छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपने अच्छे से फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है। फाउंडेशन की एप्लीकेशन करके आपने ब्लश करना है। बहुत अच्छे तरीके से ब्लश ऑन अप्लाई कीजिएगा, लिपस्टिक लगाएं, हाइलाइटर लगाएं और आपका मेकअप डन हो जाएगा। ठीक है, आसान आसान तरीके से मैं आपको सब बता रही होती हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है मेकअप करना। बस आप चाहें तो हर काम आसानी से हो सकता है। दिल लगाना चाहिए सिर्फ अपने काम से, और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना बेस्ट दीजिए। जब आप अपना बेस्ट कीजिएगा काम, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके काम में खैर बरकत देगा। ठीक है जी, ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। आपको अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाजमी आपने लाइक करना है। लाइक करने में कंजूसी नहीं क्या कीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए बनाती हूँ वीडियो और आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो बेकार है ना। फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा इतनी मेहनत करने का। जब मेरे दोस्तों ने मेरी मेहनत को लाइक ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा फिर इतनी मेहनत करने का। ठीक है ना, और मिलती हूँ जनाब एक प्यारी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।